मुझे यकीन नहीं होता कि तुम अभी तक सिंगल हो। सिंगल हूँ तभी तो यहाँ। आई मीन लाइफ में शादी से पहले बहुत सारे लोग अच्छे लगते हैं, तुम्हें कोई पसंद नहीं? नहीं, ऐसे कोई खास पसंद नहीं आया है फ्रेंड्स, और ऐसा नहीं है कि उसमें से कोई पसंद नहीं आया। एक दो दोस्त थे जो कि अच्छे लगे, पर ऐसा कोई नहीं मिला कि जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार सके। अच्छा, और मेरे बारे में क्या ख्याल है? It's too soon. अभी तक तो कोई राय नहीं है। But I will think about it. Till then, we can be friends. दोस्त बन सकते हैं। I'm glad कि तुमने मुझे इस काबिल तो समझा। Ran. देखो, अगर मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर ना बनाना चाहूँ, doesn't mean कि तुम किसी काबिल नहीं हो। हर इंसान की अपनी क्वालिटीज होती हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं, और अगर मुझे नहीं पसंद आया तो किसी और को पसंद आ जाओगे। आई मीन यू हैंडसम, यू स्मार्ट, यू रिच, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जनाब, अगर ऐसा होता तो तुम मुझे पहली मुलाकात में ही पसंद करते। मैं बहुत रियलिस्टिक हूँ जिब्रान, और अपनी लाइफ गुजारने जैसा इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन मैं इतनी आसानी से नहीं कर सकती। ओके। तभी तो मैं यहाँ आई हूँ, ताकि मैं तुम्हें जान सकूँ। तो फिर ठीक है, मैं इंतजार करूंगा जिस दिन तुम मेरे बारे में कुछ कहोगे। बेटा, इस वक्त तो उसे हमारी बहुत जरूरत है, हमें उसका ख्याल रखना है, अच्छी जगह पर इलाज करवाना है। जब ठीक हो जाएगी तो फिर जो तुम फैसला करो तो बेख्तियार है। अम्मा, जो कुछ कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, इलाज भी हो रहा है। वैसे बेटा, नसीबों का लिखा कौन टाल सकता है? हम नसीबों के दोष पर खुद को हर गलती से बरी जिम्मा करार देते थे, और नसीब जिनके आगे हाथ फैलाए खड़ा होता है उसको ठुकरा देते, उसको क्या कहेंगे आप? भजन, पुरानी बातों को भूल जाए, जो हुआ सो हुआ, बस दुआ करें जो हम सोच रहे हैं वैसा ना। कांटे बोने वालों के नसीब में कभी फूल नहीं होते, हकीकत जान चुका हूं मैं। जिस दिन वो जिब्रान के साथ शादी करके यहां से रुखसत हुई थी ना, मुझे अंजाम का पता चल गया था, लेकिन अंजाम इतनी जल्दी हो जाएगा इसका अंदाजा नहीं था मुझे। बेटा, तुम अभी से क्यों अंदाजे लगा रहे हो? हो सकता है कि उसके सास ससुर के साथ कोई मसला हो गया हो, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि वो लोग शादी में भी शरीक नहीं हुए थे। कैसी बात कर रही है अम्मा, घर से कोई ऐसे निकलता है? ना हाथ में मोबाइल, ना पर्स, बाल देखे थे आप, कपड़े देखे थे? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे दो दिन से खाना भी नहीं खाया था उसने।